समुचे महापुरख जो वख वख संप्रदावां तों स्थानां तों चल के गुरद्वारा अंगीठा साहब रौली विखे पहुँचे हैं, निम्रता सहित फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतसंग जी, जो आप संगता ने सन्मानयोग बाबा अवतार सिंह जी तो, सत्कारयोग बाबा लखा सिंह जी तो प्रोग्राम श्रवण किया है, उसनू दोहराउण दी लोड़ नहीं। समूह संत समाज ने पिछले कई दिनों तो जो बाबा जी बाबा लखा सिंह जी बार बार इत्थे दरा भी गए कि असी कई महीनों तो ये प्रोग्राम लीकना चाहते सी, पर जिमें सतगुरु नूं मंजूर हुंदा है समा बनिया है। सब महापुरखां ने आपसी विचारां नाल टैलीफोनां ते मिल के ये प्रोग्राम लीकिया है। बहुत सारा ने अपने दिलों दियां गहराइयां तो इत्थों तक कहा है कदों तक आपां चुप बैठे रहांगे। साडे किसान भरा, बजुर्ग मातावां, बच्चे बच्चियां बरसातां च, सर्दियां च, धुप्पां च, मीहां च उत्थे बैठे ने, ते आपां अपने डेरियां च बैठे हैं, यह गल जचदी नहीं। आपां नूं हंबला मारना चाहीदा। तो सतगुरु जी ने समा बनाया है। पहला आपां 18, 19 ते 20 तरीक रखी सी, उहदे विच पूर्णमासी आउंदी आ। इस करके महापुरखां दी रहि दे नाल हुण जिहड़ी तरीक आ चलण दी 23, 24 ते 25 आ। 23 नूं चलना है ते आपां 2 दिन उत्थे रहना है, दीवान सजाउणे आ। किसान 32 जथेबंदियां दे विचों किसान मोर्चे दे, किसान बचाओ मोर्चे दे मुखी भाई कृपा सिंह इत्थे आए ने। उन्हां नूं बेनती करदे आ कि सारी सूचना 32 जथेबंदियां तक पहुँचा दित्ती जावे, ते उन्हां नाल दास निजी तौर पर जाके भी तालमेल करेगा, तां कि सारे पहुँचने वाले महापुरखां दा बनदा मान सन्मान। बोलण दा समां 2 दिन दा दीवान महापुरखां दे कंट्रोल थल्ले ही चले। सो दूसरी बेनती है कि अज दे इस समागम विच बहुत सारियां शख्सियतां जिन्हां नूं समां नहीं दे सके, बाबा चरणजीत सिंह जसोवाल, भाई डोड़ साहब फैडरेशन दे प्रधान, बाबा सिंह रोडे, रमनजीत सिंह भंगचिड़ी, होर बहुत सारे महापुरख जिन्हां नूं अदासी महापुरख बहुत सारे जिहड़े बहुत चंगे बुलारे, चंगे सुझाव भी दे सकदे सन। बाबा बलविंदर सिंह जी गुरद्वारा संत खालसा, भाई दलीप सिंह जी, इस तरह भाई हरचंद सिंह जी, इंटरनेशनल पंथक दल के प्रधान भाई लखविंदर सिंह जी, बाबा सतनाम सिंह बलिया, बहुत सारे गुरमुख जिन्हों नहीं बुला सके, सारे तो दास खेमा चाहता है। निम्रता सहित फिर बेनती करता है कि कोई निजी सहूरत वास्ते नहीं, ये तो अपना सब का फर्ज है। मैं 2-3 महापुरखों का विशेष तौर पर धनवादी हाँ। फोन पर भी बाबा लखा सिंह ने मैनू कहा कि देर होर लाउणी है। बाबा चमकौर सिंह जी भाई रूपा 2-3 मीटिंगां दे विच मैनू उन्होंने गल्लां कहियां कि आपां हमला मारीए। बाबा अवतार सिंह जी धूड़कोट दास कोले गए, उन्होंने कहा सिंह साहब जी देर ना करिए, आपां नूं इकट्ठे होकर चलना चाहीदा। सो सारिया ने मिल के, क्योंकि पिछले दिन ही दसदा कुछ हार्ट दियां कुछ प्रॉब्लम आ गई सी, बीमारी आ गई सी, महाराज कृपा की तंदुरुस्ती बख्शी है। हुण आपां जिहड़ा प्रोग्राम लिखिया है ये सिर्फ मीटिंगां तक नहीं, असी एक मीटिंग गढ़शंकर की है, अज दूसरी मीटिंग है। बाबा अवतार सिंह जी ने 5-6 मीटिंगां लिखियां, असी हुणी इत्थों बैठ के बाबा लखा सिंह जी नाल विचार करके, उदासी महापुरखां नाल विचार करके जत्थे बनाउणे पैणे आपां जिहड़े वख वख मीटिंगां विच जाण, ते पंजाब दे सारे ही महापुरखां नूं भावें उह कार सेवा वाले ने, भावें उह अखंड कीर्तनी जत्थे वाले ने, भावें उह दलित भरा ने, भावें वपारी ने, मजदूर ने, सब नूं मिलिए। आपां मिल के किड्डा क वड्डा काफला बना दीए कि जिहदे नाल
सरकार नूं पता लग जावे, जिवें बाबा लखा सिंह ने कहा भी किसान आ ही नहीं जिहड़े केवल जट उत्थे बैठे ने। ये समस्या हर एक दी है जिन्हें सुबह शाम का गफा छकना है, प्रशादा छकना है, उहदी समस्या हर एक दी। कितनियां गल्लां आपां इत्थे गिणावांगे, भाई गुरदीप सिंह ने थोड़े जे हिंट दिते आ कि असीं कितनियां थावां ते पीड़तां, पर हुण मच्छी दी अख वांग साडी जिहड़ी निगाह है उह तिन बिल्लां ते आ जिथे किसान अड़े बैठे ने, जिथे किसानां दा इक जोर लगा होया है, जिहदे ते देश दे प्रधानमंत्री ने एक जिद फड़ी हुई है, उहदी जिद तोड़न वास्ते पहलां इह जिहड़ा आपां मोर्चा सार करिए। समस्यावां बहुत ने, उहनां नूं समें समें नाल विचारांगे, पर इत्थे जिवें बाबा जी ने कहा वख वख पार्टियां विच रहिंदे होए भी, वख वख धड़ियां विच, फिरकियां विच, वख वख साध संगत जी जिवें साडे विच भी कोई मिशनरी है, कोई टकसाली है, कोई नानकसरी है, कोई खंड कीर्तनी है, ये सब कुछ तो उपर उठ के कि असीं कलगीधर पातशाह दी फलवाड़ी हाँ, आ बैठे तुहाडे सामने सारे ही, इस करके आपां वड्डी पद्धर ते हुणे ही अज ही इत्थे बाबा अवतार सिंह जी नूं जां इत्थे रौली वाले महापुरखां नूं आपां जिन्नियां गड्डियां लिजा सकदे, जिहड़े जिहड़े महापुरख आए ने सिर्फ उन्ना ही भार चुकना जिन्ना चुक सकदे, जिहड़ा एक गड्डी दा भार चुक सकदा दो ना के ओ, फिर भी आपां हज़ारां दी काफला लै के चलांगे हज़ारां गड्डियां दा, पर ये एक उपराला महाराज ने करवाउणा सी, ये सतगुरु जी ने कृपा की है। हुण सुरेपो तो बाद जिवें महापुरखां ने कहा अरदास होवेगी, सतगुरु के चरणों में अरदास बेनती जो जड़ी होवेगी, उस तो बाद लंगर प्रसाद महापुरखां ने तैयार किया है, इतों दे इतने कर दें सारे तो जाया नहीं जाना, फिर इत्थे इत्थे ही एक फोटो करनी है, जदों आपां कैमरे थोड़े जिहे पासे करके जिहड़े सिंह खड़े आ वी बैठ के एक ग्रुप फोटो बैठियां दी करनी आ। सो इत्थों वाले महापुरखां दा, इत्थों वाले रौली वाले महापुरखां दा विशेष तौर पर धन्नवाद है जिन्हां ने सारा प्रबंध किया अज दी मीटिंग दा, लंगर दा, सिरों पाउण दा, बुलारे नूं बुलाउण दा, स्पीकरां दा, सारा बड़ा सुंदर प्रबंध करके आगाज़ शुरू किया है कि ये मीटिंगां इस तरह 8 या 10 मीटिंगां इन्ना ही दिनां विच लगातार होणियां है, ते मैं समझदा सारियां मीटिंगां दा जो आपां टैलीफोनां दे उपर एक दूसरे नाल आदान प्रदान करदे रहांगे कि आ इत्थों इन्ने महापुरखां दा काफला है, इत्थों इन्नियां दा काफला है, इहदे विच अपने नाल बहुत सारे पंच सरपंच, जिवें जिवें आपां व्हाट्सएप ते जावांगे, क्योंकि अज दुनिया बहुत छोटी आ, व्हाट्सएप ते पावांगे ना कि इन्ने महापुरख चले है, तो जिन्ना जिन्ना महापुरखों का जिन्ना सर्कल है तुसीं देखो तुहानू किवें टैलीफोन आना है कि महापुरखो साडी गड्डी ला लिओ, साडा ट्रक ला लिओ, साडी बस ला लिओ, ये सारा कुछ नाल चलना है। सो सब का बहुत बहुत धन्नवाद है, जिन्हां नूं नहीं बुलाया जा सकदा दास फिर हाथ जोड़ के उन्हां तों माफ़ी चाहुंदा है, भुल्लां चुक्कां की खिमा बख्शो। हुण सारे महापुरखों नूं सिरोपाओ बख्शिश किए जाने हैं, सब तो पहला बाबा लखा सिंह जी नूं बेनती है कि वह संगतां वल्लों बाबा अवतार सिंह जी